आवाज़ इंडिया पर आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे साथ में वामन मेश्राम साहब है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वामन मेश्राम साहब से हम जानेंगे कि 2024 को लेकर के इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, और इंडिया गठबंधन जो अभी जिस तरीके से इस देश में लोगों को एकजुट करने का काम कर रहा है, और वर्तमान जो स्थिति इस देश की चल रही, जैसे संसद में 141 सांसदों का निलंबन हो गया, उसके ऊपर इन मुद्दों के ऊपर सर के साथ में बात करेंगे। सर स्वागत है सबसे पहले। और सर वर्तमान में 141 सांसदों को लगभग दोनों सदनों से निकाल दिया गया, निलंबन कर दिया गया है, तो ये लोकतंत्र का कहीं ना कहीं गला घोटना या फिर लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? ये बहुत भयंकर बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ये मुझे हैरानी है, मिमिक्री हुई सदन के बाहर, कार्रवाई हो रही सदन के अंदर, पहले मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे मिमिक्री अगर सदन के बाहर हुई, तो सदन के बाहर कोई कुछ भी करता रहेगा तो तुम सदन में उसको ले आओगे, कोई मीनिंग है? मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर में मिमिक्री की थी, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुई। वो उनका सरकार है, उनको जैसा लगता वैसा करते रहते हैं। मिमिक्री की बात अभी हमने की है। जाट समुदाय की बेटियां कुछ दिनों पहले सड़कों पर आंदोलन कर रही थी, जो इस देश को मेडल दिलाने का जिनका बहुत बड़ा हाथ है। आज साक्षी मलिक ने वर्तमान में कुश्ती संघ के फेडरेशन का चुनाव हुआ, उसका नतीजा उस ब्रिजभूषण के व्यक्ति के हिस्से में आया, उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। तो ये इसके ऊपर बीजेपी के लोग या फिर धनगढ़ साहब को इसके ऊपर दया नहीं आई, या फिर इसके ऊपर उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं रखा, सर क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली जो महिलाएं हैं या हमारे नौजवान महिलाएं हैं, उन लोगों को देश में और दुनिया में जो लोग देश का नाम कमा रहे हैं, जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, उन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार बहुत दुखद है। और सरकार गलत लोगों को प्रमोट करने का काम कर रही है, जो बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। इसका लोकसभा के चुनाव पर भी बुरा असर पड़ेगा, बीजेपी के चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। मगर ईवीएम मशीन की वजह से एरोगेंसी बहुत डेवलप हो रही है, मुझे लगता है ये एरोगेंसी का मामला है, और ईवीएम मशीन की वजह से एरोगेंसी डेवलप हो रही है। तो ईवीएम मशीन का मामला पहले ठीक करना होगा, और अगर ये नहीं होता है तो एरोगेंसी लगातार बढ़ेगी। ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से आप देश में आंदोलन करते हैं, पिछले बार नागपुर में आपने आरएसएस के ऑफिस का घेराव भी किए थे, और वो आंदोलन पूरे देश में बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत फेमस हुआ था। अभी ईवीएम को लेकर के आपकी क्या भूमिका रहेगी कि अगर चुनाव आयोग इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है तो? हाँ, इसीलिए हम लोग 31 जनवरी को चुनाव के पहले बहुत बड़ा मोर्चा लेकर जा रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, और चुनाव आयोग को थोड़ा सा जगाने का काम कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से जो संभव है वो हमको करना चाहिए। मैं हिंसा करने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं हिंसा का समर्थक नहीं। संवैधानिक तरीके से हाँ, मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूँ। जिस तरीके से आज तक हमारा कोई रिकॉर्ड, हम लोग जो है हिंसा करने के पक्षधर नहीं हूँ, बल्कि ज़्यादा संख्या में लोगों को तैयार करना चाहिए, तो इन लोगों का बंदोबस्त किया जा सकता है गलत काम करने वालों का। 141 सांसदों को निलंबन कर दिया गया, और अंदर 3 पुलिसिया कानून पास हो गए सर, उसमें लोकसभा में भी उसके ऊपर मुहर लग गई, और राज्यसभा में भी लगभग उस पर मुहर लग गई। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश के नागरिकों का जो मूलभूत अधिकार है, जो स्वतंत्र अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं वो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है, इसके ऊपर क्या टिप्पणी रहेगी? ये मामला मुझे ज़्यादा संभावना है सुप्रीम कोर्ट जाएगा, मतलब इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट बहुत आम तौर पे होता क्या है कि जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल कानून है, जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको क्लियरेंस नहीं देता है तब तक वो कानून लागू नहीं होता, आमतौर पे ऐसा देखा जा रहा है। तो ये मामला बहुत कम समय में शायद सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। एक आखिरी सवाल, 2024 के चुनाव को लेकर के आप क्या चुनाव लड़ने वाले हैं, या फिर आपकी आने वाले चुनाव में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? हमारे जो लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की, हमने दिल्ली में मीटिंग ली थी 12 तारीख को, तो उसमें 77 पार्टी के लोगों की सहमति है
छोटी छोटी पार्टियाँ, तो उन लोगों को लेकर हम तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ेंगे। दूसरे मोर्चे को ज़रूरत पड़ी तो उनसे भी बात करेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन ने अगर आपको करेंगे, अगर वो उनको लगी हमारी ज़रूरत, बिन बुलाए मेहमान तो नहीं बनेंगे, ज़रूरत पड़ेगी उनको तो बात करेंगे। मायावती ने आकाश आनंद को जिस तरीके से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, इसके ऊपर क्या टिप्पणी रही? मायावती का खेल शायद ये चुनाव में, मतलब वो आगे आने वाली पॉलिटिक्स में वो खत्म हो गया, ऐसा हम मान सकते हैं? ऐसा मेरा मानना ये है कि मायावती ने ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती के पास 12-13% वोट है। चुनाव जीतने के लिए 35-40% वोट चाहिए, तो एक भी MP मायावती का चुनकर नहीं आएगा। मायावती ने ये बयान दिया कि इंडिया गठबंधन के लोगों को हमारे पार्टी के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद पता नहीं किसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। जब मायावती का एक भी कैंडिडेट चुनकर नहीं आएगा तो कैसी ज़रूरत पड़ेगी? वो तो अखिलेश के साथ समझौता होकर चुनाव लड़ा गया था, इसलिए मायावती चुनकर आए थे। अब मायावती खुद ही ऐलान कर रही है कि वो अकेले लड़ेगी, उसके बाद 13% वोट है। अब 13% से MP बन जाएगा ऐसी संभावना नहीं है, इसलिए चुनाव के बाद मायावती को पूछने की स्थिति रहेगी कि नहीं रहेगी, ये आकलन किया जा सकता है। तो ये थे वामन मेश्राम साहब, जो कि हर मुद्दे पर अपनी राय प्रखरता से रखते हैं, और अभी वर्तमान में जब इनसे हमने बात की तो पता चला कि 2024 में कहीं ना कहीं 2024 के इंडिया गठबंधन को इनकी अगर ज़रूरत पड़ी तो गठबंधन के साथ में ये जाना चाहते हैं। इन्होंने एक टिप्पणी भी की कि बिन बुलाए हम लोग नहीं जाएंगे, बिना मांगे समर्थन नहीं देंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ये समर्थन दे सकते हैं। इस तमाम चर्चा को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे आवाज़ इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।